कांग्रेस के एक विधायक है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैर छूते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो है कल रात से जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक। आखिर राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है और इस समय चुनावी मौसम में इस तरीके की तस्वीर है, वो अपने आप में कई मायने होते हैं तस्वीरों के, लेकिन वहां पर एग्जैक्टली क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि इस तस्वीर को लेकर हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा है। कोई कह रहा है कि ये विधायक है जो कि बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैर छू रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से कयास लगा रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आखिर इस वीडियो के अंदर वहां पर एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम था और वहां का क्या कुछ, वहां पर कौन सी सभा चल रही थी और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो कहां पर हुआ था। उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दरअसल कांग्रेस के विधायक है मेवाराम जैन, 3 बार से लगातार 12वीं विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी अपना वनवास खत्म करे, और विधायक मेवाराम जैन जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी है और गो सेवा आयोग के अध्यक्ष भी है, और वर्तमान के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि बाड़मेर से एक बार फिर से कांग्रेस है वो उन पर भरोसा करने वाली है, और इसी के लिए विधायक मेवाराम जैन है वो लगातार पिछले 1-1.5 महीने भर से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। ये जो घटनाक्रम है ये कल का घटनाक्रम है जहां पर बाड़मेर के अंदर वसुंधरा राजे है, पीएम मोदी की रैली के बाद में वसुंधरा राजे विशेष हेलीकॉप्टर से बाड़मेर पहुंची थी, और वहां से जो गौशाला का हेलीपैड था वहां से वसुंधरा राजे है वो सीधा जो पहुंचती है स्वर्गीय तन सिंह चौहान की साथ सभा के अंदर, वहां पर पहुंचती है वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे के इंतजार करने के लिए हजारों लोग थे, और इसी दौरान वसुंधरा राजे अपना भाषण देती है, उसके बाद में बैठ जाती है, और वहीं पर कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन हैं वो आते हैं। उससे पहले आप देखिए जो श्राद्ध सभा थी उससे पहले वहां पर खाना था वहां पर, और श्राद्ध सभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, कई विधायक थे, गुजरात के भी कुछ विधायक थे, दोनों पार्टियों के थे। तो वहां पर जैसे ही विधायक मेवाराम जैन आते हैं उसे देखकर वसुंधरा राजे के चेहरे के एक्सप्रेशन है वो ऐसे हावभाव होते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हो गई इस बात की। वसुंधरा राजे बकायदा इस बात को लेकर जिक्र करती है, आप यहाँ पर आए मुझे बेहद खुशी हुई, और उसके बाद में वसुंधरा राजे हैं वो माइक हाथ में लेती है और मीडिया को संबोधित करती है और कहती है कि आप इस कार्यक्रम को कल राजनीतिक रंग मत दे देना, ये एक सामाजिक स्वभाव का कार्यक्रम है। यहाँ पर आप देखिए 36 कौम के लोग हैं बीजेपी कांग्रेस के, और यही खूबी है इस लोकतंत्र की। और उसके बाद में विधायक मेवाराम जैन हैं वो 2 मिनट तक अपना भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे आप यहाँ आइए, आप बाड़मेर का विधानसभा क्षेत्र है, तन सिंह चौहान मेरे पुराने मित्र है, तमाम तरीके से मेवाराम जैन हैं वो स्वागत करते हैं। ये एग्जैक्टली वहाँ का घटनाक्रम था, इसमें किसी भी तरीके का कोई चुनावी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है वो अब चुनाव नज़दीक है बीजेपी में जाने के लिए वसुंधरा राजे के पैर छू रहे थे, इस तरीके की इस ऐसी कुछ भी वहाँ पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और उसके बाद में वसुंधरा राजे है वो निकल जाती है, मेवाराम जैन है वो भी निकल जाते। मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ, आप वो भावना को समझो, आज जिस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं उसके लिए सब लोगों की भावना जो है उसको समझने की कोशिश मुझे नहीं करना कल, और उन्हें कह दिया हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।